नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो चलिए, आज हम लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए लव रीडिंग करते हैं, जो 15 से 21 सितंबर के लिए है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी पर रेजोनेट हो सकती है और किसी पर नहीं भी हो सकती। तो चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग कैसी रहने वाली है, उनका प्यार कैसा रहने वाला है, लिब्रा का अपने पर्सन के प्रति ये दिन कैसे रहने वाले हैं, या उनके पर्सन का उनके प्रति कैसा रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या महसूस करते हैं, तो वो उनसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन के लिए यानी लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। द हैंगमैन आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको दूसरों के नज़रिए से देख रहे हैं, अपने नज़रिए से नहीं देख रहे। तो एक बार आप वो सोचते हैं कि आप उनको अपने नज़रिए से एक याद नज़रिए से भी देखिए कि वो आप से क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए फील करते हैं। तो ऐसा वो आपसे उम्मीद करते हैं, ऐसा वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक बार अगर आप ये अपने स्टक एनर्जी को छोड़कर अपनी एनर्जी से अपने नज़रिए से या उनके नज़रिए से अपने प्यार के नज़रिए से इसको देखें, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, ठीक हो सकता है। ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं कि अभी आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बंदे हैं, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या आप प्रेयर के मूड में हैं, या अभी आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, ऐसा भी मतलब इसमें आपके लिए वो फील कर सकते हैं। तो आपसे वो क्या चाहते हैं, द स्टार, ये स्टार का कार्ड है। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं लिब्रा के, आप सबसे पहले डीप हीलिंग करें, जो कष्ट परेशानियां दुख तकलीफ हुई हैं उनसे पहले निजात पाएं, उनको भूलें और उसके लिए डीप हीलिंग करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, तभी रिश्ते में आगे बढ़े, रिश्ते के बारे में सोचें, लव के बारे में सोचें। तो वो अभी आपको चाह रहे हैं कि आप प्यार में ना पड़े, लव में ना पड़े, अभी उसको छोड़कर डीप फीलिंग करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें सफल होंगे और एक नई बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी। तो वो डीप फीलिंग के लिए आप से चाहते हैं कि सबसे पहले आप डीप फीलिंग करें, उसके बाद ही प्यार के बारे में सोचें, नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें, जो हमारे फेवर में होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। अगर अभी हम स्टेबल होने से पहले इसको शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इन परेशानियों से बचने के लिए आप अभी इसमें लव में ना पड़े और पहले आप स्टेबल हों और ये डीप हीलिंग करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें, तभी आगे बढ़ें। ये आप उनसे क्या चाहते हैं, या आप उनके लिए क्या फील कर रहे हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं कि आप समय से पहले जो नहीं होना होता उसके बारे में सोचते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, जो जो भी कुछ होगा वो समय के अनुसार होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं एडवांस सोचते हैं। समय से पहले कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता, कोई काम नहीं हो सकता, तो अभी आपको, या फिर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि पहले स्टेबल होना चाहिए, वो भी इसके बारे में सोचें कि पहले स्टेबल हों और तभी हम प्यार के बारे में सोचें, तभी हम आगे बढ़ें। अगर सिर्फ हम प्यार के बारे में सोचेंगे, स्टेबल ना होंगे, तो आगे जाकर दिक्कत परेशानी हो सकती है इसमें। तो वो अभी कहीं ना कहीं इसमें
स्टेबल होने के बारे में कुछ ज़्यादा आपके बारे में फील कर रहे हैं कि आप पहले स्टेबल हों तभी मतलब प्यार के बारे में सोचें, लव के बारे में सोचें। तो आप उनसे क्या चाहते हैं? आप उनसे चाह रहे हैं कि चाहे कि पीछे कितनी भी परेशानियां, पास्ट में कितनी ही दिक्कतें रही हो, कितनी ही परेशानियां रही हो, और चाहे हमारे बीच में तू मैं झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, और फिर भी एक स्टैंड लेने की आप चाहत रखते हैं, आप सोचते हैं कि उनको एक स्टैंड लेना चाहिए, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। मैं चाहे वो अपने दिल से परेशान है, मन से दुखी हैं, उनको चोट लगी है, आघात पहुंचा है, पर फिर भी आप उनसे एक चाहत रखते हैं कि वो इस रिश्ते को एक मौका और दें, आगे बढ़ाएं, और मतलब प्यार, वो मुझसे प्यार करते रहें, तो एक मौका कम से कम आप उनसे और चाह रहे हैं। तो इसका आउटकम क्या रहने वाला है? द जस्टिस। तो द जस्टिस नाम से ही पता चल रहा है कि आप अगर जैसा भी आप एक दूसरे के साथ करोगे तो आपके साथ उसी के अकॉर्डिंग फल मिलेगा। अगर आप उससे अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, अपने पर्सन से प्यार करते हैं, तो प्यार के बदले आप प्यार पाएंगे, और अगर आप उनसे नहीं करते, धोखा देंगे, तो धोखे के बदले आप धोखा भी पा सकते हैं। तो जैसे आप कर्म करोगे कर्मानुसार आपको फल मिलने वाला है। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल आपको मिलेगा। अगर आप उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो आप सच्चा प्यार पाओगे, और अगर सच्चा प्यार नहीं करते, धोखा देते हो, तो उसके बदले आप भी धोखा पाने वाले हो। तो आज इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।